बिहार की राजनीति में जुबानी जंग के साथ साथ पोस्टर वार भी चलता है, और ऐसे में देखिए अभी रामचरितमानस पर जुबानी जंग चल रहा है, लेकिन एक तरफ राजद में एक पोस्टर लगा है राजद कार्यालय के बाहर। हालांकि ये राजद की तरफ से नहीं लगा है, राजद की एक नेत्री हैं, महिला नेत्री, उनके तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। लेकिन इस पोस्टर के बहुत सारे मायने निकाले जा सकते हैं, मायने इस बात पे भी निकाले जा सकते हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार लाख मना कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के चेहरे नहीं है, वो 2024 में नीतीश नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर भी उनको 2024 में प्रेजेंट कर दिया गया है। पूरा पोस्टर हम आपको समझाते हैं, जैसे रामायण में राम ने रावण को मार दिया, विजयी भव, राम विजयी हो गए। उसके बाद महाभारत में कृष्ण ने कंस को मार दिया, कृष्ण जो है वो विजयी भव हो गए। उसके बाद अब 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसमें नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को मार देंगे, सभी विपक्षी एकताओं को एकजुट करके उनको मार देंगे। आप इधर से देखिए तो आपको कांग्रेस, जेडीयू, राजद और झारखंड के मुख्यमंत्री आपको नज़र आएंगे, अखिलेश यादव नज़र आएंगे, यूपी, आपको महाराष्ट्र, सब लोग, तेलंगाना, सब यहां आपको नज़र आने वाले हैं। और पूरी विपक्षी एकता को एक ही व्यक्ति मजबूत कर रहा है, वो है नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को मारेंगे और उसके बाद होगा विजयी भव, यानी 2024 में नीतीश कुमार पीएम मटेरियल होंगे, पीएम के चेहरे होंगे। और नीतीश कुमार लाख मना कर रहे हैं कि भैया हम प्रधानमंत्री के चेहरे नहीं होंगे, हम उम्मीदवार नहीं बनेंगे। वहीं दूसरी तरफ देखिए पूनम राय हैं, प्रदेश महासचिव हैं, महिला राजद बिहार, अमनौर विधानसभा, सारण, छपरा। और उसके बाद ये संदेश भी लिखती हैं, संदेश ये लिखती हैं कि संदेश और आग्रह यह है कि जब किसी खास अक्षर या राशि से शुरू होने वाले नाम वाला व्यक्ति अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है और दर्भी, अहंकारी, तानाशाह होकर अपने शक्तियों का दुरुपयोग करने लगता है, तो उससे जन्म मानस में हाहाकार और त्राहिमाम मच जाता है। यानी रावण जो है अधिक शक्तिशाली हो गया था, तो उसको मारने के लिए राम आए थे। तो उसके बाद भी लिखा गया है कि तब उसको उसी अक्षर या राशि से शुरू होने वाले नाम वाले व्यक्ति से हटाया या पराजित किया जा सकता है। इसलिए 2024 में नरेंद्र मोदी के मुकाबले नीतीश कुमार न अक्षर विजयी भव। अब समझिए, नरेंद्र मोदी को मिटाने के लिए नीतीश कुमार आएंगे, यानी साफ तौर पर ये लोग तो ऐसे भी कह रहे हैं कि 2014 में जो आए हैं उसको 24 में हम लोग नहीं आने देंगे। लेकिन नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हम विपक्षी एकता को मजबूत करेंगे, प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर इनको प्रधानमंत्री का चेहरा प्रेजेंट किया गया है। और देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, रामायण में राम ने रावण को मारा था, महाभारत में कृष्ण ने कंस को मारा था, 2024 में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को ख़त्म करेंगे या मारेंगे, इस तरीके का भी यहाँ शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये पोस्टर राजद कार्यालय के बाहर लगा है, राजद कार्यालय गेट नंबर 2 के बाहर ये पोस्टर लगा है। हालांकि ये पार्टी के तरफ से नहीं लगाया गया है, पार्टी की एक महिला नेत्री हैं, उनके तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। फिलहाल बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।